हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो में मैं लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं कि टाइल मेरा खाली रहता है, पोकल रहता है कि नहीं। तो पहले तो हमको टाइम नहीं लग रहता था, इसके लिए आप लोगों को दोस्तों नहीं दिखा रहा था। आज दोस्तों एक एक टाइल को हम खोल के दिखाएंगे कि मेरा टाइल खाली रहता है कि नहीं रहता है। एक एक टाइल को खोल खोल के दिखाऊंगा दोस्तों। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को दबा देना। और दोस्तों पूरा वीडियो देखना, नहीं तो पूरा आप नहीं देखते हैं तो समझते नहीं हैं, कमेंट करते रहते हैं दोस्तों ये कैसे लगेगा वो। तो दोस्तों आप पूरा वीडियो देखिए। और वीडियो आप कितना पूछ रहे थे कमेंट में कि पहला टाइल कैसे लगाना चाहिए, तो दोस्तों आप देखिए वो पहला मैं एक टाइल पहले उधर बिछा दिया था। उसके बाद दोस्तों इसके बाद उससे 2 mm 3 mm उठा रहना चाहिए, बस उससे ज़्यादा नहीं उठा रहना चाहिए दोस्तों। एक टाइल उधर साइड में लगा दो काट कोना में, उसके बाद वो टाइल लगाओ जो टाइल लगाने का रहेगा, उससे 2 mm ही उठा रहना चाहिए। तो कंफ्यूजन आपका ख़त्म हो गया। आज दोस्तों लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ कि टाइल मेरा खाली रहता है कि नहीं। ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं वो टूटा टूटा टाइल है, वो दोस्तों वो डिजाइन बनेगा वहाँ पे पत्थर का कुछ कोना काट के डिजाइन बनेगा। कुछ क्या डिजाइन जैसा सभी कोने पे बनाता है वैसा वो बनाएगा। तो दोस्तों मैं ये टाइल लगा रहा हूँ, आपको खोल के भी दिखाऊंगा कि मेरा टाइल खाली रहता है कि नहीं रहता है। बहुत से मिस्त्री पूछ रहे थे आपका टाइल तो खाली तो नहीं रहता है, पोकल तो नहीं रहता है। तो मैं लाइव प्रूफ के साथ दोस्तों दिखाऊंगा मेरा टाइल खाली रहता है कि नहीं रहता है। तो दोस्तों थोड़ा भी खाली रहता है मेरे को पता चल जाता है कि मेरा टाइल खाली है कि नहीं है, मैं जान जाता हूँ कि खाली है। वो आवाज़ ही दूसरा हो जाता है दोस्तों, अगर टाइल आपका खाली रहेगा तो कुछ दूसरा साउंड बुझाएगा। और दोस्तों टाइल आपका खाली नहीं रहेगा तो कुछ दूसरा साउंड बुझाएगा। तो वही होता है दोस्तों, जब तक आप सीखिएगा नहीं तो आपको साउंड कैसे पता चलेगा क्या पोकल है मेरा टाइल की कुछ। तो आप लोग दोस्तों खोल के ज़रूर एक बार टाइल चेक कीजिएगा, मेरा टाइल तो पोकल नहीं रहता है। जिसको साउंड नहीं पता चलता है, नया नया मिस्त्री रहता है, तो वो आप एक बार खोल के ज़रूर चेक कीजिएगा मेरा टाइल तो पोकल नहीं रहता है। और पोकल रहता भी होगा तो दोस्तों लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, लेकिन साउंड से हम लोग को पता चल रहा है। देखिए दोस्तों ये मेरा टाइल कहीं भी पोकल नहीं रहता है, अगर पोकल रहता है तो मेरे को मालूम चल जाता है कि यहाँ पर टाइल पोकल है, मैं इसको फिर से उखाड़ के सीमेंट पानी देता हूँ। दोस्तों माचन आप लोगों को तो सिखा ही दिया हूँ कि कैसा माचन करना, वैसे माचन करिएगा तब ऐसा टाइल लगता है दोस्तों। ऐसा नहीं जो आप कैसा माचन कर दिए, खींच लिए, लेवल अच्छे से किए नहीं, टाइल ऐसा बैठाएंगे, वो बिल्कुल नहीं बैठेगा। कोई भी दोस्तों आपको ऐसा लाइव प्रूफ नहीं दिखाता होगा, इतना मैं बोल बोल के सिखाता हूँ दोस्तों। आप मिस्त्री बनिए दोस्तों, वो भी अच्छा मिस्त्री बनिए। अच्छा मिस्त्री बन जाएंगे दोस्तों तो आपको सभी जगह से ऑफर आएगा, यहाँ पे काम है वहाँ पे। कोई दोस्तों कितना भी काम कर ले दोस्तों, अच्छा काम नहीं करेगा ना तो दोस्तों, जैसे मैं काम करवाया, एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, जैसे मैं काम करवाया अगर वो अच्छा काम नहीं किया तो उसको फिर बुलाऊँगा, नहीं बुलाऊँगा दोस्तों, ऐसा होता है। तो आप अच्छा करेंगे तो फिर बुलाएगा काम पे, क्योंकि दोस्तों टाइल महंगा आता है, सब सीमेंट पानी सब कुछ तो महंगा ही आता है, मिस्त्री महंगा आता है। अब उतने का सब टाइल सभी लगाता है दोस्तों, लेकिन कुछ कारण के वजह से दोस्तों कुछ मिस्त्री ख़राब हो जाता है, कुछ मिस्त्री अच्छा हो जाता है। वही शुरुआत में से ही दोस्तों आप ख़राब करने लगेंगे तो आप उससे कभी नहीं अच्छा हो सकता है, मैं लाइव प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ दोस्तों। अगर शुरुआत में जो मिस्त्री मिस करने लगा, ऐसा चलेगा, ऐसा क्या होगा, इतना चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आप अच्छा काम करिए, अच्छा सीखिए, अगर जो ख़राब हुआ उसको सही करने का कोशिश हमेशा करिए दोस्तों। ख़राब तो सब कर देता है, लेकिन जो सही करता है वही मिस्त्री होता है दोस्तों। ख़राब काम तो सब कर देता है,
जो सही करता है वही परफेक्ट मिस्त्री होता है, वही जानकार मिस्त्री होता है। तो आप अच्छे मिस्त्री बनिए दोस्तों, अच्छे से काम करिए और अच्छे से सीखिए दोस्तों। अच्छे से नहीं सीखेंगे तो आप दोस्तों अच्छा मिस्त्री नहीं, कभी भी नहीं बन पाएंगे। अच्छा क्या, कोई भी काम में दोस्तों आप देखिए दोस्तों मेरा टाइल किधर फोकल रहता है कि नहीं रहता है, लाइव प्रूफ के साथ दोस्तों दिखाता हूँ। आप वैसा ही माचन कीजिए, मैं वैसा बोला हूँ वैसा माचन करिए तो आपको बिल्कुल टाइल लगाने में और टाइल लगाने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। ये इसमें थोड़ा बारिश के वजह से दोस्तों थोड़ा ज़्यादा पानी हो गया है, तो पानी पानी तो हो ही रहा है दोस्तों, तो भी मैं सूखा करके ही माचन किया हूँ। और बहुत से मिस्त्री दोस्तों कमेंट कर रहे थे कि मैं मेरे को यहाँ सिखाने आ जाओ, वहाँ सिखाने आ जाओ। दोस्तों मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहीं पे सिखाऊंगा दोस्तों। मैं कहाँ कहाँ पे बहुत कमेंट करे कहाँ कहाँ पे जाऊँगा दोस्तों सिखाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो देख के आप सीख सकते हैं, किसी मिस्त्री के पास सीख सकते हैं, तो आप लोग सीखिए दोस्तों। इसमें अच्छा पैसा जो है वो अच्छा है, पैसा है जो इसमें अच्छा है दोस्तों। 1000-2000 से तो कम नहीं, 1000 से तो ऊपर ही है दोस्तों, 2000 तक भी, 2000 तो कमाता ही है दोस्तों इसमें। जैसे इतना कर काम करना है इसका इतना पैसा लगेगा, स्क्वायर फुट पे भी मिलता है। तो दोस्तों वीडियो को बहुत लंबा हो जाता है तो आप लोग कट के देखते हैं या नहीं भी कट कर देते हैं, तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो काम भी तो समझाता हूँ दोस्तों। अच्छा तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। आपको एक एक टाइल लाइव प्रूफ के साथ दिखाया हूँ दोस्तों। ऐसा आप काम कीजिए कि मेरे को कोई उंगली नहीं उठा सकता है जो आप ऐसा काम कर दिए। ये जो दोस्तों कोना टूटेला है उसमें बॉर्डर लगेगा, इसके लिए वो कोना टूटेला सब लगता है। तो दोस्तों यही बोलने वाला था कि आप अच्छा काम करिए। और इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, फिर मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। ऐसा नया नया जानकारी लेके आता रहता हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए, हर एक काम में दोस्तों नया जानकारी देता हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों इसी के साथ वीडियो